नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम सीखते हैं मिक्सचर एलिगेशन का अगला पार्ट। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। 46 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। तो देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करना है आपको। एक मिनट देखिए, ये था अपना 46 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:1 है, मतलब मिल्क एंड वाटर। तो कितना अनुपात है? 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए? 5:3 हो जाए। देखो, ये मिल्क है, ये भी मिल्क है, ये वाटर है, ये भी वाटर है। तो आप देख रहे हो कि वाटर पहले मिल्क पहले 5 था, और आज ये मिल्क 5 है। अगर नहीं होता समान तो हमें करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि हमने इसमें क्या मिलाया है? पानी मिलाया है ना, तो बदलना क्या चाहिए? पानी बदलना चाहिए। अगर दूध बदलेगा तो हमें उसको समान करना पड़ेगा। तो पानी कितना बड़ा? 2 यूनिट बड़ा। ठीक है। अच्छा, पहले टोटल मिश्रण कितना था? पहले टोटल मिश्रण था 5:6 यूनिट। में अगर बात की जाए तो पहले मिश्रण था 6, और अगर रियल में लीटर में बात की जाए तो पहले कितना था? 46 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 कम 6, 6 कम 6, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू बताना है? 2 की बताना है। तो 11 दूनी 22। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 22। क्या पूछा था हमसे? इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो आप इस मिश्रण में 22 लीटर पानी मिला दीजिए, तो यह अनुपात आपको 5:3 के अनुपात में प्राप्त होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। तो मिल्क और वाटर क्या अनुपात है? 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था हम इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, लेकिन बदल क्या रहा है? दूध बदल रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? दूध को समान करना पड़ेगा। तो यहां ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये 6 प्राप्त हो? तो यहां हम 3 से गुणा करेंगे। जब हम एक साइड गुणा करेंगे तो हमें दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात समान करना पड़ता है। तो यहां भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो जब हम नया कैलकुलेशन करेंगे तो नया हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ये मिल्क हमारा पहले 6 था, और अब भी हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। पानी हमारा कितना था? 5 था, तो पानी अब हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। अच्छा, पहले हमारा अनुपात में टोटल मिश्रण कितना था? 5, 6, 11, और लीटर में और रियल में कितना था? 44 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 एकम 11, 11 चौको 44, 4। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 4 यूनिट की वैल्यू। तो इसमें कितना गुणा कर देंगे? 4 का 4 चौको 16। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? 16। बहुत सरल है, लेकिन इसको कई विधियों से और भी कराया जाता है, वो विधियां थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आपको ये विधि से कराया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो हमें पता है कि हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, दूध नहीं बदलना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? दूध बदल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूध को समान करना पड़ेगा। तो यहां 2 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो
तो यहां भी दो का गुणा होगा, तो नया कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, दो एकम दो और दो दूनी चार, हमारा दूध यहां भी दो था, हमारा दूध यहां भी दो हो गया, लेकिन पानी हमारा एक यहां था और यहां हमारा पानी कितना हो गया, चार हो गया, तो पानी कितना बढ़ा, तीन बढ़ा, लेकिन हमारा मिश्रण पहले कितना था, तीन था, अब अनुपात में और हमारा रियल में लीटर में कितना है, साठ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन एकम तीन और तीन दूनी छह, एक यूनिट की वैल्यू हमारी बीस हो जाएगी, तो तीन यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तीन दूनी छह साठ। थोड़ा सा आप समझो, हमने तीन का बीस में गुणा कर दिया, समय बचाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ध्यान रखें आप, ये इस प्रश्न का आंसर है। अगर आप अच्छे समझ रहे होंगे तो 100% आपको ये सवाल समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27 अनुपात कितना है, सात है, ये मिल्क है आपका और ये वाटर। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात तीन अनुपात एक हो जाए, तो हमने वो हमें बराबर करना पड़ेगा, तो यहां हम किस संख्या से गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वहां पर कितना हो जाए, हमें 27 प्राप्त हो, तो सीधी बात है हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से, यहां भी कितने से गुणा, 9 से, जब हम यहां 9 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर 9 तिया 27 प्राप्त हो जाएगा और यहां पर 9 एकम 9 प्राप्त होगा, तो हमारा मिल्क सेम है लेकिन पानी कितना बढ़ गया, दो यूनिट बढ़ गया। तो यहां देखिए 27 और 7 हमारा यूनिट में कितना है, 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 27 और 3 30 और 4 34, 34 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें सवाल में, 85। क्या 85 34 से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, तो आइए इसको देखते हैं। पहले आप एक मिनट के लिए यहां से रुकिए, पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दो की वैल्यू क्या दे रखूं, चार, तो आप एक की वैल्यू कैसे निकालते हो, दो एकम दो, दो दूनी चार, मतलब आप चार का भाग दो में देते हो तो दो दूनी चार निकाल लेते हो, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है, दो, मतलब आप ओवरऑल क्या करते हो, 85 का भाग 85 में भाग 34 का देते हो, और आपको किस यूनिट की वैल्यू चाहिए, दो की, तो आप डायरेक्ट यहां दो का गुणा कर दो, तो आपका डायरेक्ट दो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 17 दूनी 34 और 17 5 85, दो से दो कट जाएगा, आपका क्या बचेगा आंसर, 5। ये इस प्रश्न का आंसर आपका क्या है, 5। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है, ये मिल्क और ये वाटर, कितना है, 9:4, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, फिर पानी मिलाया है, दूध को बराबर करना पड़ेगा, तो यहां 3 से गुणा और यहां भी 3 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 3 × 2 = 6, पानी दूध हमारा बराबर है, पानी हमारा कितना बढ़ गया, 2, और एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 9:4 है, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब इस बार हमें पानी मिलाया दे रखा है और हमें मिश्रण की आरंभिक मात्रा पूछी गई है, मतलब इस यूनिट की वैल्यू हमें दो की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में, 4 दे रखी है, तो हमें एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसका भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 × 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और हमें आरंभिक मात्रा बतानी है, तो आरंभिक क्या है, ये 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 13, 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 13 में किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, 26। बहुत सरल है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मिल्क और वाटर, क्या अनुपात है, 5:3 है,
इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। फिर क्या मिलाया, पानी, लेकिन दूध हमारा क्या रहेगा समान, 5 करने के लिए किससे गुणा करें, 5, यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, मिल्क हमारा क्या हो गया समान हो गया, लेकिन पानी हमारा कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, 7 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी हमें 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 दूनी 14। तो हमसे क्या पूछा है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी, तो प्रारंभ में मिश्रण हमारा कितना था 8 था, तो 8 का कितने गुणा कर देंगे 2 में, तो इसका प्रश्न का आंसर हमारा 16 होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मिल्क एंड वाटर कितना है 5:3 है, इसमें 21 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। पानी मिलाया गया तो दूध को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यहां भी 5 से गुणा और यहां भी 5 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो कितना बड़ा 7, सेम ऊपर वाले सवाल जैसा है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 21 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 एकम 7, 7 3 21। हमसे क्या पूछा, प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ में कितना होगा 5:3 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 8 तिया 24, 8 तिया कितना 24। तो इस वाले प्रश्न का प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभ मिश्रण कितना हो जाएगा 24, आरंभ है ना, ये आरंभ मिश्रण 24, वर्तमान मिश्रण ज्ञात करना है, तो वर्तमान में हमारा अनुपात कितना है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 3 45। अच्छा हम वैसे इसको आंसर को वेरीफाई करके देखें, इस प्रश्न का आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर को वेरीफाई करके देखें, यहां हमारा आरंभ मिश्रण कितना था 24 था, हमने कितना मिलाया 21, तो 24 में 21 जोड़ेंगे तो आप 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, देखिए बराबर आ रहा है, तो ऐसे आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।